नमस्कार, आज मैं कुछ खास और नया नाश्ता बनाने वाली हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं सूजी लिया है, सूजी में मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ पानी डाल के। हमें मिक्स करने में हमें लगा है आधा कप से कम ही पानी लगा है मिक्स करने में। तो अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको हम, आपके पास दही है तो दही भी आप डाल सकते हैं, दही हम बाद में डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा पानी बच गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से हम ढककर छोड़ देते हैं। अच्छी तरह से अभी ढककर 3 से 4 मिनट तक छोड़ देते हैं। ये मैंने मुरमुरे लिया है, और मुरमुरे जो हमारे घर में अवेलेबल होता है, नमकीन बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं उसके लिए है। तो इसको मैं पतीले में डाल ले रही हूँ और पानी इसमें डाल दूँगी फूलने के लिए। तो ये देखिए मुरमुरे मैंने पतीले में डाल लिया है। अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ, पानी मैंने डाला है 2 गिलास के लगभग, इसमें पानी डाला है। और इसको हम अच्छी मसल मसल के इसको मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो बिल्कुल फूल कर एकदम पिघल अजीब सा हो जाता है ना। तो इसको मैं धो एक छ 2 कप इससे मैंने डाला है पानी। तो इसको मैं एक छन्नी में इसको छान ले रही हूँ। इस कटोरा मैंने लिया है, पर छन्नी लिया, इसके ऊपर मैं पलट ले रही हूँ जिससे सारा गंदगी इसका निकल जाएगा। और इसको छन्नी में ही रहने देंगे जिससे अच्छी तरीके से फूल कर तैयार हो जाएगा पीस पेस्ट बनाने के लिए मुरमुरे। तो जो भी बचा तो भी मैं धो के इसमें अच्छी तरह से धोकर मैं मुरमुरे को छन्नी में छान लिया है। देखिए पानी में कितने गंदा है मुरमुरे, ऐसे हमें लगता है कि मुरमुरे हमारा साफ है, लेकिन देखिए पानी से मैंने धोया तो कितनी गंदगी इसमें से निकला हुआ है। अब इसको हम इसको भी 3-4 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं, तब तक ये मुरमुरे फूल जाएगा। ये पानी देखिए कितना गंदा है, इसको हम फेंक देंगे। तो ये देखिए हमारा डो हमारा सेट हो चुका है, सूजी का डो फूल कर सेट हो चुका है। अब इसको हम तब तक मुरमुरे को पीस लेते हैं पानी डाल डाल के। तो ये थोड़ा मैंने ग्राइंड किया है, सूखा था, अच्छे से नहीं पीस रहा था। तो इसमें मैंने आधा कटोरा, इस कटोरे से मैंने पानी लिया था, इसमें पानी हमें पीसने में लगभग हमें 2 कटोरे पानी लगा है। उसके बाद जो मैंने सूजी फुला कर रखा था वो भी इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं जार के अंदर, और इसको भी हम पीस लेते हैं। ये मैंने दही रात में जमाया था, ताज़ा दही है, खट्टा दही ना ले, ताज़ा दही ले। और इसमें हमें दो छोटी चम्मच कप से डाल रही हूँ मैं दही, और डाल के मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले रहूँगी। इस तीनों चीज़ अच्छी तरह से मिक्स कर होकर तैयार हो जाएगा, तो हमारा उत्पम बनकर तैयार होगा मुरमुरे का उत्पम। तो ये देखिए डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो इसमें मैंने कुछ सब्जियां काटी हैं, तो सब्जियां भी आपके पास सब्जियां जो भी अवेलेबल है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें एक टमाटर काटा है, शिमला मिर्च काटा है, प्याज है, हरी मिर्च है, और टमाटर है। सभी को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तभी तो उत्पम का टेस्ट बढ़िया लगेगा खाने में, बच्चे भी नाश्ते में अच्छी तरीके से खा लेंगे। और इसी बहाने बच्चे हरा सब्जी खा लेंगे, बहुत सारे विटामिन बच्चे को मिल जाएगा। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके पास मीठा सोडा है तो मीठा सोडा डाल सकते हैं, या तो इनो है तो इनो आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच के लगभग मैंने इनो में आपको दिखा रही हूँ मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरीके से मैं इसको फेंट ले रही हूँ जिससे फूलने में, ऐसे तो फूल जाएगा लेकिन इसको डालने से और अच्छे से हमारा उत्पम फूल कर तैयार होगा, और बहुत बढ़िया और कुरकुरे लगेगी हमारे उत्पम खाने में। नाश्ते के लिए तो बहुत अच्छा है, हेल्दी भी है। तो ये मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है, आप नॉर्मल तवा में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम तवा में तेल लगा देते हैं, उसके बाद हम पानी इसके ऊपर हल्के हल्के छिड़क देते हैं, जिससे ये उत्पम बनने में दिक्कत ना हो निकालने में, पलटने में। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लिया है बैटर को। अब इसके इसमें हम एक करछुल बैटर को डाला, दूसरा भी डाला, ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, इसमें मोटा ही रखेंगे तभी तो अच्छा लगेगा खाने में। अब गैस को हम लो पर ही पकाएंगे, ज़्यादा हाई करेंगे तो जल जाएगा और पलटेगा ना। 1 चम्मच तेल लेकर हम साइड साइड में इसमें हम डाल दिया है, चाहे तो आप नमक डाल सकते हैं, मैं नमक नहीं डाला है क्योंकि ये तो चटनी या सॉस के साथ खाएंगे, नमक कम खाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है।
तो मैंने नमक नहीं डाला, आप नमक डालेंगे तो और अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखिए मैं ढक दिया था और दो तीन मिनट तक गैस कम लो करके मैंने इसको पका लिया था। देखिए कितना सुंदर है, किनारे किनारे से छोड़ दिया है मैंने, पलट लिया है दूसरी तरफ से भी इसको मैंने पलट लिया। देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया ब्राउन कलर लग रहा है दिखने में। तो इसी तरह हम उत्पम सारा हम इसी तरह से पलट पलट के और गैस को लो पे ही रखा है और मैं पका ले रही हूँ उत्पम को। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है उत्पम, लग रहा है मुढ़ी का मुरमुरे का उत्पम है, लग रहा है डोसे का जो हम बैटर बनाते हैं उस तरीके से दिखने में लग रहा है। इस तरीके से हम ढककर पका लेंगे सारे उत्पम को। देखिए कितना सुंदर बबल्स छोड़ दिया है और कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। बीच में इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ दीजिएगा गैस लो पे, नहीं तो बीच में पलटिएगा तो टूट जाएगा अच्छी तरह से, फिर ये पलटाएगा नहीं। तो देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया उत्पम हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप दही के साथ या सॉस के साथ या टमाटर लहसुन की चटनी के साथ इसको खा सकते हैं या चाय के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत सुंदर और बहुत स्पंजी बनकर ये तैयार हुआ है। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए और अपना सलाह सलूशन हमें लिख कर कमेंट में पक्का बताइए कि कैसा बना है नाश्ता आपका। तो बनाइए और खाइए और सुबह का नाश्ता इंजॉय करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।